हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, डे वन, एट स्टैंडर्ड साइंस का, है ना। तो आज हम एट स्टैंडर्ड के साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, है ना। इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट बोले तो क्या, इसका स्टोरेज हो गया या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। तो ये सब दो तीन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे इस चैप्टर में जो क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले तो हमारे कंट्री इंडिया के बारे में। तो आपको जो हमारा कंट्री इंडिया है इसके क्लाइमेट के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए, और दूसरी बात कि इसका लोकेशन, हमारे जो वर्ल्ड का मैप कभी आप देखते हो तो उसका लोकेशन कहाँ पर है, हमारे इंडिया में कितने टाइप के अलग अलग एनवायरमेंट या फिर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन हम देख सकते हैं। तो आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप इंडिया को जब देखेंगे ना उसके अंदर, तो इंडिया एक इक्वेटोरियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर के साइड में आता है ना, ज्यादा ऊपर भी नहीं आता है वो और ज्यादा नीचे भी नहीं आता है ना, एक प्रॉपर जगह पे। दूसरी बात, इसके अंदर हमको इंडिया के क्लाइमेट के बारे में ये देखना है कि अगर हम हमारे इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे तो हर रीजन के अंदर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे आप साउथ पार्ट देखेंगे तो वहां पे रीजन अलग मिलेगा, आप नॉर्थ पार्ट देखेंगे तो वहां पे रीजन अलग मिलेगा, आप ईस्ट में देखेंगे तो रीजन अलग है, वेस्ट में देखेंगे तो रीजन, मतलब उसका वहां का क्लाइमेट कंडीशन अलग है। तो इसका जो मेन रीजन क्या होता है कि एक चीज ये रहती है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो वहां के रीजन की सॉइल भी चेंज होती है, और सॉइल चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होगा तो वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या होगा, अलग अलग चीजों का होगा, है ना। तो इसीलिए हमारा इंडिया जो है ये ऑलरेडी एक गॉड गिफ्टेड, हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको हर तरीके का क्लाइमेट मिल जाता है ना, और हर तरीके क्रॉप प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसके अगर अपोज में आप देखिए कि यूरोप कंट्री है तो वहां पे कंडीशन ऐसी नहीं है, वहां पे कूल क्लाइमेट रहता है तो हर तरह की क्रॉप आप नहीं कर सकते। उसके अपोजिट में आप देखेंगे अफ्रीका रीजन है या फिर सऊदी अरेबिया का रीजन है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा समर सीजन रहता है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो हमारा इंडिया अगर आप मैप पे देखें तो एक बहुत ही अच्छी जगह है, और ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड चीज है जो हमको हर तरीके का एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता है, और उसी के साथ साथ हर तरीके का क्लाइमेट, हर तरीके के रिलीजन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जिस हिसाब से रिलीजन रहते हैं वो हिसाब से उनकी फूड चेंज होती है, और हिसाब से फिर क्रॉप का प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का करते हैं, है ना। तो आइए आज हम उसके आगे का पार्ट देखते हैं। बुक ने क्या दिया है कि इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, है ना, हमारा इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है ना। और अगर एक चीज इसमें बताने रह गई कि फर्टाइल लैंड के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड हमारा कंट्री एक नंबर पे है फर्टाइल लैंड के मामले में, मीन्स जितने भी कंट्री है उनमें सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड अगर किसी के पास है तो किसके पास है, इंडिया के पास है ना, मतलब हमारे पास फर्टाइल लैंड सबसे ज्यादा है ना। और हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, उसी के साथ साथ द क्लाइमेट कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एज वेल एज द टाइप ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप इंडिया के डिफरेंट एरियाज में जाएंगे तो वहां पे सॉइल की टाइप भी चेंज होगी, वहां का क्लाइमेट कंडीशन भी चेंज होगा, और उसी के साथ साथ वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। आप कभी महाराष्ट्र में ही देखेंगे तो आप कभी जलगांव साइड जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, समर सीजन बहुत हेवी रहता है तो वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन अलग रहेगा। आप पुणे साइड जाएंगे वहां पे थोड़ा कूल क्लाइमेट है, आप मुंबई साइड जाएंगे वहां पे ह्यूमिड कंडीशन है, आप नासिक में आएंगे तो वहां पे कंडीशन अलग है, मालेगांव में जाएंगे, दुलिया में जाएंगे वहां पे कंडीशन अलग है। तो अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र को ही ऑब्जर्व करते हैं तो हमको सिर्फ महाराष्ट्र में इतने अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं, है ना। जैसे बुक में क्या बताया है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द कंट्री, राइस इज ग्रोन इन द नॉर्थन प्लेन एंड द कोस्टल रीजन, व्हाइल कॉटन इज ग्रोन इन द डेक्कन प्लेन, है ना। यहाँ पे नॉर्थन पार्ट और साउथ पार्ट के बारे में बताया उसने कि नॉर्थन पार्ट के अंदर हमको राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और साउथ पार्ट के अंदर डेक्कन प्लेटो में, तो साउथ पार्ट जो है वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न इज इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू खरीफ एंड रबी क्रॉप। अब यहाँ पे जो मेन क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट हो रही है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन या फिर क्रॉप है उसको दो मेन क्लास में डिवाइड किया, कौन कौन सा, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अब तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप की डेफिनेशन में क्या बोला उसने, बेस्ड ऑन द ग्रोइंग पीरियड क्रॉप्स आर ग्रोप्ड एज
एज अ खरीफ एंड रबी क्रॉप, किसके ऊपर उसने किया है, ग्रोइंग पीरियड मीन्स जिसे हमारे वन ईयर के अंदर 12 मंथ हो गए, तो कुछ ये मंथ से ये मंथ तक जो ग्रो हुए उसको खरीफ क्रॉप, या फिर इस मंथ से इस मंथ तक अगर कोई क्रॉप ग्रो होती है तो उसको रबी क्रॉप। तो इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है या फिर जो ग्रुप बनाया है वो कैसे बनाया है, मैं आपको पढ़ता हूँ। क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन, इसमें जो क्रॉप रेनी सीजन के अंदर जून टू सितंबर आर खरीफ क्रॉप, है ना, कहां से कहां तक, जून टू सितंबर कौन सी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और ये कौन सा सीजन रहता है, रेनी सीजन ना। तो रेनी सीजन के अंदर जितनी भी क्रॉप सोन मतलब उसको सॉइल के अंदर डाला जाएगा, है ना, ब्रूट डाला जाएगा, तो वो टाइम पे जो क्रॉप हम जिसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा, खरीफ क्रॉप पे। उसके बाद क्या बोला कि क्रॉप दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, है ना, विंटर सीजन कहां से स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू मार्च विंटर सीजन, विंटर सीजन के अंदर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप, है ना। आपको मेन उसका मंथ की रेंज याद रखनी है, खरीफ क्रॉप के अंदर रेंज क्या बनाया बताया, जून टू सितंबर, और रबी क्रॉप में क्या बताया, अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च जो भी क्रॉप हम सोन करेंगे, है ना, सॉइल में डालेंगे, और वो टाइम पे जो क्रॉप आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप, और उसके साथ साथ जो जून टू सितंबर है उसको क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रबी क्रॉप की, वीट, मस्टर्ड, ग्राम, लिंसेड ऑयल एंड द पी एंड आर द रबी क्रॉप। क्या क्या बताया उसने, गेहूं है ना, सरसों है, चना है, ये सब किसके अंदर आता है, ये रबी क्रॉप के टाइम पे आता है ना। अब इसके बाद आपको क्या टॉपिक देखना है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब ये आएगी।